देखिए लिगमेंट जो स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट कनेक्ट बोन टू बोन बिटवीन द जॉइंट, दे आर एंकल स्टेबलाइजर्स। मीडियल इनर साइड पे भी कुछ लिगमेंट्स होते हैं, आउटर साइड में भी कुछ लिगमेंट्स होते हैं। द मोस्ट कॉमन लिगमेंट्स जो इंजरी होती है वो एंटीरियर टैलोफेबल लिगमेंट है, कि आप चल रहे हैं आपका पैर ट्विस्ट हो गया, दिस इज द मोस्ट कॉमन लिगमेंट जिसकी इंजरी होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम एंकल इंजरीज को ट्रीट करते हैं, यूजुअली फिजियोथेरेपी से ट्रीट हो जाती है, फिर स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन कई मरीजों में हमने देखा गया है कि हम सब कुछ कर चुके हैं फिर भी उसको पेन होता है, उसको बार बार हो रहा है। तो उन केसेस में हम उनको एडवाइस करते हैं कि वो सर्जरी का ऑप्शन चुनें। उस केसेस में हम क्या करते हैं कि इस लिगमेंट को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, इसकी भी कई टेक्निक्स हैं, और हम एक नया लिगमेंट बनाते हैं और उसको पुराने लिगमेंट के साथ रीइंफोर्स करते हैं, जिससे और उसके बाद हमें 6 हफ्ते का प्लास्टर उसको देना पड़ता है, 6 हफ्ते का रेस्ट देना पड़ता है, और हमने देखा है कि इस सर्जरी के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। पेशेंट उसके बाद पेन फ्री हो जाता है, और लेकिन उसको ठीक होने के बाद उसके सर्जरी के 6 हफ्ते के बाद हमें उसको एक्सरसाइज करानी पड़ती है ताकि फिर से ना हो।